हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार स्टेटहुड छीना गया है। यूनियन टेरिटरी को पहले यूनियन टेरिटरी को स्टेट बनाया गया था। स्टेट को बांटकर दो स्टेट बनाए गए, तेलंगाना बना, छत्तीसगढ़ बना, उत्तराखंड बना, अरुणाचल को स्टेट बनाया गया। मगर पहली बार हिंदुस्तान के किसी स्टेट को रद्द करके लोगों का जो हक है वो छीना गया, पहली बार हुआ है। ऐसे हिंदुस्तान के इतिहास में, मॉडर्न इंडिया में ये काम पहले कभी नहीं किया गया है। तो सबसे पहले जम्मू कश्मीर को जो स्टेटहुड है वो वापस देना है, क्योंकि आपका सिर्फ स्टेट नहीं छीना गया, आपके अधिकार, आपका धन, सारा का सारा आपसे छीना जा रहा है। 1947 में हमने राजाओं को हटाकर लोकतांत्रिक सरकार बनाई, हमने देश को कॉन्स्टिट्यूशन दिया। आज जम्मू कश्मीर में राजा बैठा हुआ है, उसका नाम एलजी है मगर वो है राजा। और जो आपका धन है आपसे छीना जा रहा है, बाहर के लोगों को दिया जा रहा है, चाहे वो आपके कॉन्ट्रैक्ट्स हो, सारा का सारा फायदा बाहर के लोगों को मिल रहा है और जम्मू कश्मीर के लोगों से छीना जा रहा है। तो हमारा पहला कदम जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड वापस देने का होगा। हम चाहते थे कि चुनाव से पहले आपको स्टेटहुड मिले और स्टेट बनने के बाद चुनाव हो। बीजेपी ये नहीं चाहती है और उन्होंने कहा है कि पहले चुनाव होगा और उसके बाद स्टेटहुड की बात होगी। और हम कह रहे हैं कुछ भी होगा, जम्मू कश्मीर के लोगों को स्टेटहुड हम दिलवाएंगे। बीजेपी चाहे ना चाहे इंडिया गठबंधन इतना दबाव डालेगी कि जम्मू कश्मीर के लोगों को स्टेटहुड देना ही होगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।